समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नदियों को लेकर कोई कार्य नहीं हुआ, किसान अभी परेशान है। सरकार का दावा है कि निवेश से रोजगार बढ़ेगा, निवेश आता है तो लोग नौकरियों को लेकर परेशान नहीं होते। वहीं गन्ने के बीज सिर्फ रुपए बढ़ाए गए हैं और किसानों के आय दुगने वादे किए गए थे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लोहिया में डॉक्टर नहीं है, मरीज प्राइवेट अस्पताल भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ ही आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 trillion की इकोनॉमी हो जाएगी, और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं और किसान की आय दोगुनी नहीं, किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और MSP की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और देश जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे क्या वो सम्मान का रोजगार होगा?